दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और BBTech वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे, फ्रेशर से एलिजिबल हैं और पोस्ट यहाँ पर आपकी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की रहने वाली है। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से 17 जनवरी को जारी किया गया है। यहाँ पर आपकी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट रहेगी और वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी उड़ीसा रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या फिर 4 साल का BBTech किया है फुल टाइम में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिरेमिक, केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। और मैं करके आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकट्रॉनिक में RD टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर से, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकट्रॉनिक में JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर गोपालपुर से, या फिर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में और डोमिसाइल में यहाँ पर आपको बताया है रेजिडेंस ऑफ उड़ीसा के लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी DOB 1 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होनी चाहिए। अगर आप SC ST या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी DOB 1 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होनी चाहिए। बात कर लेते हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर आपका 1 साल का रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो यहाँ पर मेल की हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की मिनिमम हाइट 142 सेंटीमीटर। बाकी भी यहाँ पर आपको काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं आपकी मंथली स्टाइपेंड के बारे में। तो जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं उनको मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर 15,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा और इसके साथ यहाँ पर आपके रहने और खाने की व्यवस्था रहेगी, उसका थोड़ा बहुत चार्ज आपसे लिया जाएगा। और जैसे यहाँ पर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर आपको यहाँ पर फुल टाइम में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वहां पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है और इसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 17 जनवरी से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी रखी गई है 28 जनवरी। बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद में आपका इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। इन 3 प्रोसेस के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। एडमिट कार्ड यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 फरवरी को और रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर आपका होना है 19 फरवरी को। अब बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी 500 रुपये रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया है सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।